नमस्कार दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मनुष्यता। तो मनुष्यता के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इस मनुष्यता में जो कि पाठ प्रवेश में जो कि इसका प्रश्न सारांश है उसको, कि इसमें लेखक ने कहना क्या चाहा है, किस प्रकार के का वर्णन क्या है, इस प्रकार की कविता लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या है। तो इसके माध्यम से जानते हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। अर्थात प्रकृति के जो अन्य प्राणी हैं उनकी तुलना में मनुष्य में जो चेतन शक्ति है वह अत्यधिक प्रबल है। अर्थात एक कह सकते हैं कि जो मनुष्य है सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित अर्थात हित और अहित, हिताहित दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, दीर्घ संधि हिताहित अर्थात अगर इसको हम अलग करते हैं तो हित हित प्लस हित प्लस अहित, इस प्रकार से हम इसका विच्छेद कर सकते हैं, हित प्लस अहित हिताहित अर्थात दीर्घादेश क्या हुआ है आका। तो इस प्रकार से हिताहित में कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। तो हिताहित उनके हित का और अहित का, हित मीस होता है उसका, उनका कह सकते हैं कि उनका उनकी रक्षा कर कह सकते हैं कि उनका हित चाहने वाला, अहित मीस होता है उनका हित ना चाहने वाला। तो इसका ख्याल रखने में औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है, परंतु चारागाह में जाते हैं अपने अपने हिस्से का चर आते हैं। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य जो है केवल अपने लिए ही जीता है। अर्थात तो उनका मतलब क्या है कि मनुष्य पशु जिस प्रकार से चारागाह जाते हैं और अपने हिस्से का चर आते हैं, अपने हिस्से का खा आते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है उसे भी कुछ उत्पादित करता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है वह औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से करता है। तो प्रस्तुत पाठक का कवि अपने अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। अर्थात तो इस प्रकार के मनुष्यों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन उनमें मनुष्य कैसे लक्षण हैं भी या नहीं, इस प्रकार की वह बातों को नहीं मानता है। कौन, मैथिली शरण गुप्त जी। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण, उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। अर्थात उसकी मृत्यु, अर्थात एक मनुष्य जो मृत्यु होती है उसकी, कहते हैं कि वह नरक में गया, है ना, कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब मर जाता है तो कहते हैं कि अच्छा है वह बड़ुआ मर गया, वह उसको गाली देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। कोई तो अच्छे कार्य करता है तो उसको कहते हैं अरे वह कैसे मर गया, तो उसकी होती है सुमृत्यु, है ना। इस प्रकार के जो मरण होता है, मरते तो सभी हैं, लेकिन अच्छी मृत्यु किसको प्राप्त हुई और बुरी मृत्यु, कहते हैं कि यह तो मर जाए तो अच्छा है, तो ऐसे प्रकार की मृत्यु से क्या है वह अच्छी नहीं मानी जाती है। अर्थात तो उसके जो सांसारिक गुण हैं उस वही देखे जाते हैं कि वह अच्छा व्यक्ति था या नहीं। तो उस प्रकार से लोगों के द्वारा जो बखान है वह आप सुन सकते हैं वहाँ पर। तो आइए चलते हैं पाठ पे, जानेंगे मनुष्यता में मैथिली शरण गुप्त जी ने विस्तार से क्या बताना चाहा है। कि विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो। आप अपने मन में विचार लो कि आप मर गए हो, कह सकते हैं कि ना मृत्यु से डरो कभी। अर्थात आप अपने विचार मन में विचार कर लें कि आप तो केवल मरणशील हो ही, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, एक बिना एक दिन सभी को मरना है, है ना। ये इस प्रकार का ही पाठ है, आपको गलत नहीं समझना पाठ को। तो इस पाठ में क्या है, लेखक ने कहना चाहा है कि विचार लो कि मरते हो। आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु से डरो कभी, न मृत्यु से डरो कभी। हमें मृत्यु से कभी भी डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में एक सत्य क्या है कि मृत्यु निश्चित है। मरो परंतु यूं मरो, मरो आपको मरना ही है, मरना पड़ेगा, है ना, कह सकते हैं। लेकिन परंतु यूं मरो, परंतु मरो इस प्रकार से, किस प्रकार से, कि याद जो करें सभी, अर्थात जो मनुष्य हैं जो जिनसे आपका मेल मिलाप है वो सब आपको याद करें, इस प्रकार की मृत्यु को आप प्राप्त
करना है आपको, हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे। अर्थात इस प्रकार की अगर अच्छी मृत्यु प्राप्त आपको नहीं हुई तो वृथा, वृथा में सोता है बेकार। किस प्रकार की मौत हुई? बेकार मौत कह देते हैं कि उसकी तो वह बेकार मौत हुई है। अर्थात कह देते हैं एक्सीडेंट में आके मर गया या कोड़ी होके मर गया या अनेक बीमारियों से ग्रसित रहते हुए मर गया, तो उसे इस प्रकार की मृत्यु क्या है? बेकार मृत्यु मानी जाती है। और वृथा जी तो आपका जो जीवन है वृथा मीन्स बेकार हो जाता है, वहीं जब आपकी मृत्यु अच्छी प्रकार से नहीं हुई है तो आपका जीवन भी बेकार हो गया। तो वृथा जी ये बेकार जिया, बेकार जिए इस संसार में आकर के, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अर्थात तो मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो आपके लिए जीते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। इस प्रकार की पशु प्रवृत्ति या इस प्रकार का अपना मन या चित्त नहीं होना चाहिए कि अपने आप के लिए जिए। अर्थात इस पृथ्वी पर अगर आपने जन्म लिया है तो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करें, यही मनुष्य का संदेश है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इस प्रकार का जो मनुष्य होता है, जो दूसरों के लिए परोपकारी होता है, त्यागी होता है, दानशील होता है, जो दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी मान ले कह सकते हैं, तो वही मनुष्य होता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, आगे कवि मैथिली शरण गुप्त जी वर्णन करना करते हुए कहते हैं कि उसी उदार व्यक्ति की, उदार मीन्स होता है उसी परोपकारी व्यक्ति की कथा, कथा मीन्स कहानी, सरस्वती मीन्स यह है जो सरस्वती माँ है, जो दिव्या है कह सकते हैं, बखानती है अर्थात अनेक लोगों के मुखों से इस प्रकार के बखान करते हुए जो सरस्वती है या कह सकते हैं जीव है, अनेक लोगों के मुँह से कहते हुए आपको सुनना ही दे जाएगा कि उसके वह तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत परोपकारी है, उसमें तो बहुत अच्छे गुण हैं, वह अच्छा मनुष्य है। और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है, और उसी उदार से जो आपने दूसरों के लिए किया है, जो भी परोपकार आपने किया है, तो यह धरामिस पृथ्वी है। धरामिस क्या है? पृथ्वी। कृतार्थ, कृतार्थ मीन्स किए हुए का उपकार मानने वाली होती है। कृतार्थ मीन्स क्या है? किए हुए का उपकार मानने वाली होती है। तो इस धरती पर जो लोग होते हैं वे केवल परोपकार को ही मानते हैं, किए हुए का आदर भाव करते हैं। और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, और ऐसे इस प्रकार के परोपकारी व्यक्तियों की जो सदा हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, सजीव मीन्स जीवित रहते हुए, मरते हुए भी जीवित रहती है, कीर्ति मीन्स यश, कुंजति मीन्स कुंजता रहता है। अर्थात इस प्रकार के लोगों का जो यश है वह हमेशा इस संसार में कुंजता रहता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और इसी प्रकार के जो भाव होते हैं उदार व्यक्तियों के, परोपकारियों के, उनके भावों को, उनके आदर्शों को, अर्थात तो उनको समस्त सृष्टि, समस्त संसार पूजना, पूजा उनकी करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड, अखंड मिस जिसका खंडन ना हो, ऐसे प्रकार के आत्म भाव लेकर के जो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अगर विश्व में कोई भर देता है तो इस प्रकार का मनुष्य जो होता है, वह जो परोपकारी व्यक्ति होता है, जो कि दूसरों के लिए अपना सारा कुछ या सब कुछ न्यौछावर कर देता है, परोपकारी व्यक्ति होता है, जो उस प्रकार की कहानियाँ यह संसार कहता रहता है, यह संसार उनका बखान करता रहता है, और उनकी जो उदारता है वह समस्त संसार में पूजनीय होती है और सर्वत्र दिखाई देती है। नेक्स्ट आगे वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थालवी। क्षुधार्थ में इस भूख से आतुर, क्षुधार्थ, क्षुध, क्षुध प्लस आर्थ दीर्घ संधि का प्रयोग है यहाँ भी। क्षुध, क्षुध मीस होती है भूख, क्या क्षुध, क्षुध मीस क्या होती है भूख, क्षुधमिस क्या होती है भूख, आर्त, आर्तमिस व्याकुल, आर्तमिस होता है व्याकुल, आर्तमिस व्याकुल बेचैन, तो भूख से व्याकुल रंतिदेव, रंतिदेव एक दानी थे, परोपकारी व्यक्ति थे, तो भूख से व्याकुल थे रंतिदेव ने दिया करस्त, करस्तमिस कर्मिस हाथ होता है, कर्मिस क्या होता है हाथ, हाथ, अस्थ, अस्थमिस अपने हाथों से, जो भोजन की थाली थी, थालमिस थाली, अपने हाथों से थाली, जब रंत, क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, अर्थात भूख से व्याकुल एक जब कोई आया था उनके पास, तब भूख से व्याकुल रंत देव ने क्या किया, जो अपने अपना थाल है, अपने भोजन का थाल है, वह दूसरे के सामने परोस करके रख दिया और स्वयं भूखे रहे।
तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्त जाल भी। महर्षि दधीच दधीच एक महर्षि थे, बहुत बड़े दानी व्यक्ति कहे जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु के लिए क्या है, अपने जो हड्डियों का जाल कह सकते हैं, हड्डियों का जो ढांचा था मरने के बाद, वह भी उन्होंने दान कर दिया था। वहीं उसी नर चितेश ने स्वमांस दान भी किया। तो एक उसी नर नाम का एक ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने क्या क्या किया, छत्तीसवीं होता है एक कबूतर को, छत्तीसवीं क्या होता है एक कबूतर को, क्या है जब दो पलड़े में रख दिया गया और उनसे कहा गया, जब उन्होंने अपने दान की परीक्षा लेने के लिए भगवान को भेजा गया, तब उन्होंने एक कबूतर का वेश धारण कर करके उसी नर जो ऋषि थे, तब उन्होंने कहा कि मुझे इस कबूतर के बराबर मांस चाहिए। तो उन्होंने क्या, कबूतर के बराबर मांस देने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके, और उस कबूतर के मांस की जब तुलना ना हो सकी, अर्थात ना हो सकी, तो उन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था और स्वयं की मृत्यु कर ली थी। इस प्रकार के दानी लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर उदाहरण मैथिली शरण गुप्त जी ने दिए हैं, किस प्रकार के उदार व्यक्ति होते हैं जो कि दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से ये उसी नर ऋषि भी थे, जिन्होंने एक कबूतर के लिए क्या है अपना शरीर दान कर दिया, अपना मांस, शरीर का मांस दान किया था उन्होंने। स्वमांस अपना मांस। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी लिया। और उसी प्रकार से जो वीर थे, सहर्ष मीन्स हर्षित होते हुए भी, कर्ण ने क्या किया था, अपना शरीर चर्म अर्थात पूरा अपना शरीर क्या है दान कर दिया था कह सकते हैं, किसके लिए, कौरवों के लिए। वहीं अनित्य देह के लिए अनाथ जीव क्या डरे। अनित्य देह, अनित्य मीन्स जिसकी कोई अनित्य देह मीन्स होता है शरीर। अनाथ जीव क्या डरे अर्थात इस प्रकार से जो जीव है वह जब उदारी बनता है तो वह कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि यह जो उनका शरीर जो है यह क्या है नाशवान है, नाशक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे अर्थात वह जानते हैं, जो उदारी व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वे जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है और इस शरीर का एक ना एक दिन नाश अवश्य होगा, एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। तो अर्थात यह शरीर नाशवान है, इसे दूसरों के कार्यों में जिस प्रकार से या जैसे भी लगाया जा सकता है तो वह सब क्या है अच्छा होता है। सहानुभूति चाहिए महाभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। सहानुभूति चाहिए हमें, दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक महाविभूति करनी ही होती है अर्थात बड़े प्रकार के कार्य करने ही होते हैं। अर्थात संसार में अगर आपको कुछ ना कुछ चाहिए या लोगों से बढ़ा ही चाहिए तो वहाँ संसार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ उदारता दिखानी होती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, तब जाके जो महिमिस पृथ्वी, महिमिस क्या होता है पृथ्वी, जो आपकी पृथ्वी है अर्थात पृथ्वी के जो लोग हैं वह स्वयं वशीकृत हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के उदार लोगों के जीवन को देख करके जो पृथ्वी है, पृथ्वी की स्वयं उनकी वशीकृत या वशीभूत हो जाती है। नेक्स्ट वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। वहीं अगर आपको पीडीएफ, विभिन्न प्रकार की पीडीएफ आदि प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा और विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध का एक विरुद्धवाद था जो कि उनका सिद्धांत था, तो वह क्या दया प्रभाव में बहाने, इस प्रकार के लोगों जब अनेक वर्णन करते हुए, अनेक उदाहरण देते हुए मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर उदार व्यक्तियों से संबंधित कुछ कथन कह रहे हैं कि वृद्ध का जो विरुद्धवाद था, उन्होंने विरुद्धवाद का सिद्धांत दिया था, विभिन्न प्रकार की दया आदि दिखाई थी, तब क्या वह दया प्रभाव में नहीं बहा था। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका अर्थात जो विनीत लोग थे, विनम्र लोग थे, वे क्या सामने झुके नहीं थे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, तो उदार व्यक्ति तो वही है जो दूसरों के लिए परोपकार करे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे अर्थात मनुष्य के लिए
अपना सब कुछ न्यौचावर कर दे, वही केवल एक मात्र मनुष्य है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। हमें किसी प्रकार के इस प्रकार की भूल में नहीं रहना चाहिए कि तुच्छ वित्त के लालच में हम घमंड कर बैठें। अर्थात मदांध, मदांध मिस होता है घमंड, तुच्छ मिस तुच्छ थोड़ा सा, वित्त मिस धन आदि के लालच में, है ना। तो हमें थोड़े से रुपए पैसे के आ जाने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनात, सनात मिस के हम ही सब कुछ हैं, इस प्रकार का जान करके हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चित्त, चित्त मिस होता है मन में, मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। अर्थात यहाँ पर कौन अनाथ है, कौन अनाथ है इस संसार में। अगर इस संसार में किसी ने जन्म लिया है तो उसका त्रिलोकनाथ कौन है, उसका ईश्वर कौन है, केवल एक मात्र उसका साथ ही कौन है, ईश्वर, ईश्वर है, भगवान है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अर्थात तो वही सब पर दया करने वाला है, वही दीनों का बंधु है, वही गरीबों का सखा है, और इस प्रकार उसके बड़े बड़े हाथ हैं। वह अर्थात सबकी रक्षा करता है, सबको एक भाव से देखता है, सबको प्रति एक भाव रखता है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, और इस प्रकार से जो अतीव भाग्यहीन है, इस प्रकार के जो अधीर, अधीर में से धैर्य न रखते हुए जो भावना विकसित करता है, तो वह इस प्रकार का अतीव भाग्यहीन है होता है उस प्रकार का मनुष्य। अर्थात उस प्रकार का भाग्यहीन कोई भी नहीं होता है कि जो कि धैर्य न रखते हुए क्या है कि अनेक दुष्कर्म कर बैठता है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। नेक्स्ट वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कैसे अनंत अंतरिक्ष में, कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में अनेक देवता आदि समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अर्थात अनेक देवता हैं, अनेक देवी देवता खड़े हैं कि वे इस प्रकार से देख रहे हैं कि जैसे अपनी बाहें बढ़ा रहे हों, अपने स्वभाव में अपनी बाहें हमारे समक्ष बढ़ा रहे हों, हमारे सामने बढ़ा रहे हों, अर्थात सहायता करने के लिए, परोपकार करने के लिए तैयार हों। परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अर्थात हमें किसी प्रकार का अवलंब, परस्परावलंब नहीं करना चाहिए, आपस में अवलंब देरी ना करते हुए हमें उठना चाहिए, उठ करके बढ़ना चाहिए। अर्थात कि किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों आदियों का सामना करते हुए हमें क्या है आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अर्थात अभी अमर्त, अमर्त में अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। अर्थात लेखक कहते हैं कि हमें इस प्रकार से जो कि मृत्यु जो है उस प्रकार को उसको गोदी में लेकर के ही नहीं रहना चाहिए कि हमारा मरना निश्चित है तो हम क्या है कुछ करें नहीं। तो इस संसार में निश्चंक होकर के, अर्थात मृत्यु निश्चित है तो हमें अनेक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना मौत से डरे हुए। और रहो न यों कि एक से न एक काम सरे, है ना, काम का सरे। तो ऐसे प्रकार के काम नहीं करना चाहिए कि एक काम से क्या है दूसरे का भी काम रुक जाए। इस प्रकार के कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य तो वह है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य एक दूसरे का साथ ही होता है। मनुष्य यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि एक दूसरे का साथ ही होता है, और एक दूसरे का साथ निभाते हुए हमें परस्पर आपस में एक दूसरे का क्या है ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मरना तो सभी को है एक दिन, कि मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। तो मनुष्य मात्र क्या है, एक सखा है, बंधु हैं, यही उनका एक बड़ा विवेक है। प्राण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक ही हैं। अर्थात परमात्मा पिता स्वयंभू, स्वयंभू मीन्स सबका जन्म देने वाला, सबका पिता कौन है, केवल एकमात्र ईश्वर ही है, वह जो कि प्रसिद्ध है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद हैं। फलानुसार अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आता है, जो भी कर्म करता है, उसके कर्मों का फल वह स्वयं ही भुगतता है। जो उसके भाई भेद हैं, अर्थात इस संसार में आकर के जो जैसा कार्य करता है वह उसी प्रकार का फल पाता है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद हैं। हमारे अंतरिक्ष में से अंतर मन में क्या है, अर्थात हमारे जो प्रमाण सबूत या प्रमाणभूत वेद हैं, जिनसे कि हम अनेक प्रकार की ज्ञान शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और इस प्रकार से क्या है हम देखते हैं
मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से सबको जानते हुए मनुष्य क्या है, एक अनर्थ कर बैठता है, जो कि बंधु को नहीं, बंधु अर्थात भाई को भाई नहीं समझता है, भाई की व्यथा को उसके दुख को नहीं अड़ता है, और क्या है, जबकि हरने वाला तो केवल एकमात्र ईश्वर है, लेकिन मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी क्या है, मनुष्य उदारता या उदार भाव नहीं अपनाता है। उदार तो वही है जो एक दूसरे के लिए मरे, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, हमें जो अभीष्ट मार्ग है अपने निश्चित मार्ग पर सहर्ष में हंसते हंसते खेलते हैं, हंसते हंसते सभी कार्यों को करना चाहिए, अर्थात अपने मार्ग में आने वाली विपत्तियों से घबराए बिना अनेक प्रकार के कार्य करते हुए सहर्ष में खुशीपूर्वक चलना चाहिए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, अर्थात मार्ग में अनेक विपत्ति आ जाएं, अनेक विघ्न पड़ जाएं, तो उन्हें धकेलते हुए उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, हमें किसी प्रकार का हेल मेल, किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं घटना चाहिए, और ना ही भिन्नता, किसी से दूरी या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, अर्थात या जो तर्कों से भरा पंथ नहीं है जो, अर्थात उस पर सचेत होकर के हमें चलना चाहिए, अर्थात जो रास्ता, पंथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, पंथ मीन्स रास्ता, अतर्क, अतर्क मीन्स कोई किसी प्रकार का तर्क नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, अर्थात वही भाव है एक उदारी व्यक्ति का, एक परोपकारी व्यक्ति का, जो कि सभी को तारता हुआ तर चले, अर्थात सभी को साथ लेकर के चले, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही केवल मनुष्य है माना जाता है जो दूसरों के लिए मरे, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, कह सकते हैं दूसरों की सेवा समर्पित कर दे, परोपकार के लिए जिए हमेशा, है ना, दानी हो, उदार हो, उसका हृदय अति कह सकते हैं कि परोपकारी हो, और भी क्या है, मनुष्य को एक दूसरे के साथ रहते हुए कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष भेदभाव ना रखते हुए सभी को साथ लेकर के इस जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सभी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मृत्यु सभी की निश्चित है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप विभिन्न प्रकार की पीडीएफ आदि अपने पाठों से संबंधित वहां से सर्च मार के आप प्राप्त कर सकते हैं, और अपने विभिन्न प्रकार के नोट्स से, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्जाम्स में आने लायक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न, यहाँ से आप इनको देख करके पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे आपको पढ़ करके क्या है, आगे चल करके आपको विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स आदि में भी सहायता होने वाली है। धन्यवाद।